press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे बने, यानी जिला कलेक्टर आप कैसे बने, इसके बारे में हम पूरे प्रोसीजर के बारे में आपको बताएंगे। जिला कलेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन कैसे करें, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप विस्तार से देने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं या इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आप हमें हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वहाँ पर भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे बने, यानी जिला कलेक्टर कैसे बने। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें बताएंगे आपको इसके लिए योग्यता क्या है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए। तो नंबर एक है, जो भी उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहता हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। नंबर दो है, जो उम्मीदवार इसमें आवेदन करेगा वो भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, यानी इसमें ओनली फॉर भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, अदर कंट्री के उम्मीदवार इसमें आवेदन नहीं कर सकते। नंबर तीन है, उम्मीदवार किसी भी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी स्वस्थ शरीर होगा तो ही वो जिला कलेक्टर के लिए आवेदन कर सकता है। नंबर तीन है, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवार इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अभी आगे है, जिला कलेक्टर की परीक्षा देने के लिए उम्र सीमा यानी एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 21 से 32 जिसमें 3 वर्ष की छूट यानी 35 वर्ष, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 21 से 32 प्लस 5 साल की छूट यानी 37 वर्ष। और नंबर चार है, फिजिकल हैंडीकैप, जो कि 21 से 42 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आगे दोस्तों, नंबर पाँच पे एससी एसटी जो फिजिकल हैंडीकैप है वो 21 से असीमित वर्ष समय तक, यानी जो भी फिजिकल हैंडीकैप है एससी एसटी के उम्मीदवार वो 21 वर्ष के बाद में लास्ट तक कभी भी आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आगे दोस्तों, जिला कलेक्टर बनने के लिए आपको कौन कौन सी परीक्षा देनी होगी, इसके लिए हम आपको बता दें कि इसके लिए जिला कलेक्टर बनने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी परीक्षा लगाई जाती है। जब यूपीएससी इसके लिए परीक्षा का आवेदन करेगी तो आपको उस समय यूपीएससी की परीक्षा देना होगा और इस परीक्षा की कार्रवाई ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा की जाती है, जिसमें ऑल इंडिया का एक साथ एग्ज़ाम होता है, जिसे शॉर्ट में CSEB कहते हैं। दोस्तों, इस परीक्षा में जब आप यूपीएससी के थ्रू जो परीक्षा देंगे उसके अंदर आप अगर टॉपर रहेंगे तो योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों को पोस्ट के लिए चुना जाता है, जैसे किसी को कलेक्टर, कोई कमिश्नर, कोई सेक्रेटरी, कई तरह की पोस्टें हैं जिनको योग्यता के अनुसार चुना जाता है। अब ये जिला कलेक्टर बनने का तरीका। फ्रेंड्स, अगर आप जिला कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि आपको इसके लिए 3 स्टेज में परीक्षा पास करनी होती है, इसके बाद आप जिला कलेक्टर की ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू होती है। नंबर एक होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा, पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, यह प्रथम परीक्षा होती है जो भी काबिल उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों को छांटने के काम आती है। इस परीक्षा का सिर्फ यही काम है कि जो भी काबिल उम्मीदवार है उनको छांट के रख लिया जाए। नंबर दो पे है मैन परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो होती है वो नंबर दो पे होगी, उसके ये परीक्षा होती है। यह परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल घोषित होते हैं उम्मीदवार, जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाते हैं वही उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, जिसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित होते हैं इस वजह से यह परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, इसमें सभी योग्य उम्मीदवार ही भाग ले पाते हैं। यह परीक्षा जो मेन परीक्षा है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में ही होती है हर साल ये परीक्षा साल में एक बार होती है और दिसंबर और जनवरी इन दो महीनों के अंदर होती है। नंबर तीन पे है इंटरव्यू, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, नंबर तीन पे है जिला कलेक्टर बनने की ये अंतिम स्टेज है इंटरव्यू। जब उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा
पास कर लेता है तो उसके बाद उसको इंटरव्यू में भाग लेना पड़ता है। इंटरव्यू के लिए उस उम्मीदवार को बुलाया जाता है, उसमें कुछ अधिकारी हमारे सामने बैठकर कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, जिस तरह से जवाब देते हैं उसके आधार पर उसके नंबर दिए जाते हैं और कलेक्टर ऑफिस जिला कलेक्टर की ट्रेनिंग के लिए फिर वो चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जिला कलेक्टर बन सकते हैं। ये तीन परीक्षा जिला कलेक्टर की होती है जिनके लिए आपको बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों जिला कलेक्टर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है, उसी के बाद कहीं जाकर इसके अंदर आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है इसके बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ के साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसमें तैयारी कर रहे हैं तो